हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज मैं बादाम और जाफरान की बर्फी बनाने वाली हूँ, और उसके लिए जो सामान हमें लगेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये बादाम है जो मैंने 150 ग्राम लिया हुआ है, और ये शक्कर है जो मैंने 100 ग्राम लिया है, और घर में मैंने मिक्सी में उसे बारीक सा पीस लिया, ग्राइंड कर लिया है। और अगर आप घर में नहीं उसे बारीक करना चाहती हैं तो मार्केट में भी ये पिसी हुई शक्कर मिलती है। और ये घी है जो मैंने इतना लिया है, और इसमें से मुझे जितना लगेगा मैं डालूँगी। और ये इलायची का पाउडर है, और ये दूध है, और ये ज़ाफ़रान है जो मैंने दूध में भिगो के रखा है। इसकी वजह से कलर भी अच्छा आता है और हमें बहुत अच्छा लगता है ज़ाफ़रान। जो तो बादाम लिए थे एक बॉल, उसे मैंने गरम उबलते हुए पानी में 4-5 घंटे के लिए भिगो दिए थे, तो वो इस तरह से फूल के हो गए हैं। तो हमें इतना भिगोना चाहिए उसे कि उसके छिलके आसानी से निकल जाएं। देखिए, मैं इस तरह से इसके छिलके निकाल रही हूँ। इस तरह से आसानी से हमें निकलना चाहिए। या आप सुबह बनाने वाली हो तो रात को सोते वक्त आप इसे भिगो सकती हैं। तो इस तरह आसानी से हमारे ये इसके ऊपर से जो छिलके हैं वो आसानी से निकल जाए। तो अब इस तरह से मैं ये सारे बादाम जो हैं मैं इसके छिलके निकाल लूँगी। देखिए, मैंने ये ग्राइंड किया तो इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा और थोड़ा दूध डाल के इसे और ग्राइंड करूँगी ताकि ये बारीक पेस्ट हो जाए। और मैंने इस तरह से ये सारे बादाम जो मैंने भिगोए थे उसे इस तरह से मिक्सी के पॉट में थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ग्राइंड कर लिया है, और इस तरह से पेस्ट बना लिया है। और अब मैं इस कढ़ाई में थोड़ा 2 स्पून घी डालूंगी। थोड़ा सा हम इसे गरम होने देते हैं और फिर इसमें ये पेस्ट जो है वो अब हम डालेंगे इसमें। और हमें इस घी में इसे अच्छे से भूनना है। तो देखिए, अब हम इसे अच्छे से इस तरह से स्लो गैस कर फ्लेम स्लो फ्लेम पर इस तरह से हम इसे भूनेंगे। हमें इसे लगातार भूनना है। ये जो मैंने कलचा लिया है उससे हमें इस घी में लगातार इसे घुमाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना। तो
थोड़ा सा हम 3-4 मिनट इसे अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए मैंने इसे 3-4 मिनट इस तरह लगातार हिला के भून लिया है, और अब मैं इसमें ये जो पिसी हुई शक्कर है वो उसमें मिक्स करूँगी। देखिए इस तरह कंटिन्यूसली इसे हमें इस तरह इस कलचे से मिक्स करके हिलाना चाहिए। देखिए अब हम इसमें ये ज़ाफ़रान मिला हुआ दूध हम इसमें डालेंगे। बर्फी को कलर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी ज़ाफ़रान का अच्छा लगता है। तो अभी हमें इसे बिल्कुल ऐसा सूखा होना चाहिए इस तरह से, हमें जब तक के इसे हमें हिलाना चाहिए और हमें कंटिन्यू हिलाना चाहिए इस तरह, वरना ये नीचे जो है बॉटम में लग जाएगा। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है अब ज़ाफ़रान डालने के बाद, ज़ाफ़रानी कलर आ गया है इसे। और स्पून इसमें घी डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा एक एक स्पून ऐसे घी डाल के हमें इसे भूनना चाहिए इस तरह से। और ये जब तक के ऐसे गोला हो जाए तब तक के हमें इसे भूनना है, इस तरह ऐसे मिक्स करना चाहिए, वरना ये नीचे बॉटम में लग जाएगा। तो देखिए अब ये हमारे रेडी हो गई है बर्फी का जो हमने ये डाला था बर्फी और शक्कर, और अब मैं इसमें इलायची डाल के मिक्स करूँगा। तो देखिए मैंने इलायची इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ। तो देखिए अब मैंने एक ये डिश लिया है और इसको अब ये ग्रीस करूँगी। मैंने इसमें घी डाला है और अब इस ब्रश से मैं इसे चारों तरफ ताकि ये चिपके ना। बटर पेपर भी आप नीचे बिछा सकते हैं और उसके ऊपर घी ग्रीस कर सकते हैं। और अब इस पर मैं ये डालूंगी जो हमारा बादाम है, जो ये है उसको देखिए मैंने इसमें ये ले लिया था आटा, प्लेट में निकाल लिया था, और अब थोड़ा सा ये नवगर्म हो चुका है। तो मैं अब अपने हाथों को ये घी लगा लूँगी ज़रा सा, ताकि वो हाथों को चिपके ना। और इस तरह से
ये जो है उसका उसको भी एक गोल बना लूंगी आटा। देखिए इस तरह अपने हाथों को घी लगा के इस तरह से इसको गोल पेड़ा बना लूंगी। और एक मैंने चौका ले लिया है और इस पर मैं ये थोड़ा सा घी डालूंगी और चारों तरफ इसे लगा लूंगी इस पर। और ये देखिए इस पेड़े को मैं इस तरह इस पर रख दूंगी। और इस तरह मैं हाथ से ही इसे इस तरह से कर लूंगी। मुझे जितना पतला करना है उतना मैं हाथों से ही करूंगी और इसको शेप दे दूंगी इस तरह से। या फिर आप कोई बेलन ले लीजिए, उसे घी लगा लीजिए और इस तरह से उसे बेल लीजिए। आप जितना मोटा और जितना पतला आप चाहते हैं उस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने, अब ये ज़रा ठंडा हो गया है और अब हम इसे हमें कितना जैसा चाहिए वैसा हम इसे शेप देके कट कर लेंगे। अब छोटा चाहते हैं तो छोटा कट कर लीजिए, बड़ा चाहते हैं तो बड़ा कट आप निशान लगा लीजिए। इसे भी मैं ज़रा घी लगा लेती हूँ ताकि चिपके ना। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे पिज़्ज़ा कटर से कट कर लिया है। आप छुरी से भी कट कर सकते हैं किसी चाकू से तेज़। और थोड़ी देर हम इसे इसी तरह रख देंगे और ठंडा होने के बाद सेट होने के लिए रख देंगे और थोड़ी देर के बाद हम पीसेस निकाल लेंगे। तो देखिए ये मैंने इसे कट करके पीसेस निकाल लिए हैं और इस तरह से वो हो गए हैं। और आप इसे फ्रिज में रखिए अभी। तो देखिए ये इस तरह से पीसेस हो गए हैं और एकदम सॉफ्ट है। इसे फ्रिज में ही रखना चाहिए। बाज़ लोग इस पे आप चांदी का वरक भी लगा सकते हैं इस पर। और देखिए ये बहुत ही लजीज होती है बादाम की। और ठंड सर्दियों के दिनों में बहुत ही अच्छी गिज़ा होती है सुबह के वक्त नाश्ते में अगर हम खा लेते हैं तो, या दोपहर में खाने के बाद। तो चलिए तो ये मेरी बर्फी बादाम की रेडी हो गई है। और आप भी बना के इसे फ्रिज में 1 महीने के लिए रखिए, खा सकते हैं। और आप भी बना के ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़।